अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, रियल एनालिसिस फर्स्ट चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है, नंबर सिस्टम, लेक्चर नंबर 10 है। तो जो प्रीवियस लेक्चर हमारे हो गए हैं उनमें हमने ये सारी चीज़ें कंसेप्ट डिस्कस किया है, बाउंडेड सेट, बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, इसी तरह सुप्रीमम, इन्फिमम, ठीक है। तो वो इसमें हमने अब यूज़ करनी है सारी डेफिनेशंस। देखें, थ्योरम है हमारे पास, ये जो थ्योरम है हमने लास्ट जो लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने देखा था मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है, मिनिमम एलिमेंट क्या होता है। तो अब ये उससे रिलेटेड एक थ्योरम है हमारे पास। देखें, थ्योरम है, थ्योरम में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इंटीजर विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ मैक्सिमम एलिमेंट। कि अगर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं जो बाउंडेड अबव होना चाहिए, तो मस्ट है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया, चलें इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर ये है, सेट ऑफ इंटीजर, इसका आपने एक एस जो है एक सबसेट लिया है। किस तरह का सबसेट है ऐसा हमारे पास जो बाउंडेड अबव है। बाउंड यहाँ पे नोट करें, ये बाउंडेड अबव बाई 2 है। ठीक हो गया है, तो अब आप इसमें ये देखें कि इसमें कोई मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 2 इसका मैक्सिमम एलिमेंट है। तो ये तो हमारे पास एक एग्जांपल है, तो वो जो थ्योरम हम कर रहे हैं ओवरऑल फॉर ऑल के लिए कर रहे होते हैं ना, तो ये हमने शो करना है। ठीक हो गया, चलें कंसीडर कर लेते हैं। प्रूफ है हमारे पास, कंसीडर दैट एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इंटीजर्स विच इज बाउंडेड अबव। फर्स्ट क्या है, एस जो है हमारा एक नॉन एम्प्टी सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का जो बाउंडेड अबव है। आपको पता है कि एस जो है बाउंडेड अबव है, हर वो सेट जो बाउंडेड अबव होता है, हर वो सेट जो बाउंडेड अबव होता है मस्ट है सुप्रीमम उसमें एग्जिस्ट करती है। तो हर वो सेट जो बाउंडेड बिलो होता है उसमें इन्फिमम मस्ट एग्जिस्ट करती है, बिकॉज एस क्योंकि बाउंडेड अबव है तो एस में सुप्रीमम एलिमेंट मस्ट होगा। चलें हम लेट कर लेते हैं, सपोज दैट एस का जो सुप्रीमम एलिमेंट है वो बीटा है। ठीक हो गया, तो अगर इसका एलिमेंट बीटा है, एक हम इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं, देन एनी इंटीजर एन ग्रेटर एन बिलोंग टू जी, एक इंटीजर लेते हैं सच दैट जो बीटा से ग्रेटर है। ठीक है, ऐसे हमें बहुत से इंटीजर मिल जाएंगे जो बीटा से ग्रेटर हैं, तो एक इंटीजर हमने लिया है एन जो बीटा से ग्रेटर है। अब आपको पता है कि इसकी अपनी डेफिनेशन, बिकॉज बीटा इज़ द सुप्रीमम ऑफ सेट एस, क्योंकि बीटा जो है सुप्रीमम है सेट एस की। तो क्या डेफिनेशन होती है सुप्रीमम की, सुप्रीमम जो एलिमेंट होता है वो ऑल एलिमेंट ऑफ दैट सेट ग्रेटर होता है, क्योंकि एस एस के तमाम एलिमेंट से बीटा ग्रेटर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। ठीक हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप देखें, एन ग्रेटर है बीटा से और एक्स बीटा ग्रेटर एक्स है, या आप ऐसे कह लें कि एन एन जो है बीटा जो है वो लेस देन एन से है और एन लेस देन है बीटा लेस एक्स लेस देन है बीटा से, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखें देखें एक्स जो है वो लेस देन इक्वल किस से है, बीटा से, और बीटा किससे लेस है, एन से, बाई ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसको एक्स जो होगा वो लेस देन होगा एन से। ठीक हो गया, अब एन को हम उस साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ज़ीरो जो होगा, ज़ीरो जो होगा वो लेस देन होगा एन माइनस एक्स से, या आप ये कह सकते हैं कि एन माइनस एक्स ज़ीरो से ग्रेटर है। ठीक हो गया, तो इसमें सारे के सारे वैल्यू हमारे पास ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यूज इसमें क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक हो गया, तो अब हम क्या कह रहे हैं, आल्सो अ सबसेट ऑफ इंटीजर। तो ये जो टा है ये भी, क्योंकि बिकॉज एन भी एक इंटीजर है एक्स भी एक इंटीजर है, तो टू इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो भी इंटीजर है। तो एज ए होल ये पूरा जो सेट होगा इसमें सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो ये सब सेट होगा सेट ऑफ इंटीजर का। नाउ इट इज़ क्लियर दैट टा हैज़ मिनिमम एलिमेंट, और ये भी मस्ट है कि इसमें मिनिमम एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। वो कैसे, देखें एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं इसको। देखें, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है और ये उसका सबसेट है। लेट सपोज इसमें आप नोट करें इसकी सुप्रीमम है 2, आप कोई इंटीजर ले लेते हैं जी, चलें उसको हम 4 रख लेते हैं। अब आप नोट करें एन ग्रेटर देन बीटा तो है ना, अच्छा जी, अब एन माइनस एक्स हम बना रहे हैं, एन माइनस एक्स कैसे कि एन में से एक्स को माइनस करेंगे, एन आपके पास कितना है 4, 4 में से देखें आप पहले 2 को माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
फिर फोर में से आप वन को माइनस कर दें तो थ्री आ जाएगा, इसी तरह फिर फोर में से ज़ीरो माइनस कर दें तो फोर आ जाएगा, फोर में से माइनस वन करते चले जाएं ऐसे, तो आपके पास टा ये आ जाएगा। तो आप नोट करें ये भी, ये जो आपके पास आया है ये सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है और फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसमें आप ये देखें मिनिमम एलिमेंट इसका एग्जिस्ट कर रहा है जो टू है, तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि टा जो है इसका मस्ट है मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि मिनिमम इसका जो एलिमेंट होगा वो इसी फॉर्म का होगा, तो हम लेट कर लेते हैं एन माइनस एम जो है वो इसका मिनिमम एलिमेंट है। तो एम जो है यहाँ एन में से जो भी वैल्यू माइनस हो रही है वो एस से आई है, तो एम जो होगा वो किससे बिलोंग करता है, एस से। ठीक हो गया, डियर फोर एन माइनस एम लेस देन इक्वल होगा एन माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स, और फॉर ऑल एक्स कहाँ से आए हैं, ठीक हो गया बाई डेफिनेशन, क्योंकि ये तमाम क्योंकि एन माइनस एम सबसे लीस्ट एलिमेंट है टा का, तो टा के हर एलिमेंट से ये किस तरह का होगा, लेस होगा। तो आपके पास यहाँ पे हमने एन से एन कैंसिल किया है, तो माइनस एम जो है लेस देन इक्वल है माइनस एक्स से, मल्टीप्लाई माइनस वन कर दें। जब आप माइनस से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी माइनस वाली वैल्यू से, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये आपके पास ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और ये फॉर ऑल एक्स, तो एम जो है हर एक्स से ग्रेटर है, हर एस के हर एलिमेंट से ग्रेटर है, और ये भी आपको पता है एम जो है एलिमेंट भी एस का ही है। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है प्रॉपर, ये डेफिनेशन होती है मैक्सिमम एलिमेंट की। तो अगर आप देख लें ये लेक्चर, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट डिस्कस किए थे, तो ये उसका कंसेप्ट है, तो वो लेक्चर भी आप रीड कर लीजिएगा, देख लेना। तो इसमें देखें एम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो एक्स जो है इस फॉर ऑल एक्स, यानी कि हर एक्स से ये ग्रेटर है, वी शो दैट एम इज़ अपर बाउंड ऑफ एस, तो ये अपर बाउंड है एस की, अगर ये अपर बाउंड है और एम इसका एलिमेंट भी है, तो फिर क्या रिजल्ट मिला आपको, दस एम इज मैक्सिमम फॉर एस। ठीक है, तो एस में मैक्सिमम एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, हैंस एस हैज द मैक्सिमम एलिमेंट, एवरी सबसेट ऑफ इंटीजर विच इज बाउंडेड अबव हैज मैक्सिमम एलिमेंट। तो आपके पास कोई भी सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का जो बाउंडेड अबव हो, तो मस्ट है उसका मैक्सिमम एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। ये सेम उसी तरह का थ्योरम है, बस ये बाउंडेड बिलो सेट है। देखें थ्योरम है प्रूव दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इंटीजर विच इज़ बाउंडेड बिलो हैज़ अ मिनिमा, मिनिमा या मिनिमम एलिमेंट, एक ही कंसेप्ट होता है। क्या आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी सबसेट लेंगे और जो बाउंडेड बिलो हो मस्ट हैज़ अ मिनिमा एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट। चलें उसी तरह सेम प्रोसीजर होगा हमारे पास। आपके पास क्या है, कंसिडर कर लेते हैं प्रूफ में, कंसीडर दैट एस इज़ द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, विच इज़ बाउंडेड बिलो, अगर बाउंडेड बिलो है तो हर वो सेट जो बाउंडेड बिलो होता है मस्ट है उसकी इन्फिमम भी होती है, देन इन्फिमम ऑफ एस विल एग्जिस्ट। तो लेट कर लेते हैं इसकी जो इन्फिमम है वो एल्फा है, टेक एनी इंटीजर एन सच दैट, एक इंटीजर एन ले लेते हैं सच दैट जो एन जो है इसकी जो एल्फा जो इन्फिमम है उससे भी लेस है, बिकॉज एल्फा इज इन्फिमम एस, तो ये इन्फिमम की क्या डेफिनेशन होती है, देयरफॉर के एक्स का हर एलिमेंट एल्फा से ग्रेटर होगा या फिर एल्फा हर एलिमेंट से लेस होगा। ठीक हो गया बाई डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम। चलें अगर आप इक्वेशन नंबर ये टू आपके पास है और इक्वेशन नंबर आपके पास ये वन है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, एन लेस देन एक्स से, एन लेस देन है एल्फा से और एल्फा लेस देन इक्वल है एक्स से, तो एन लेस देन होगा एक्स से। ठीक हो गया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है, तो एक्स को अगर इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, तो आपके पास एन माइनस एक्स लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, वी शो दैट यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है कि टा जो आपके पास है, टा हम एक सेट ले लेते हैं एन माइनस एक्स शेप के, इसमें एलिमेंट है और एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इंटीजर, ऐसा ही है क्योंकि एन भी यहाँ पे इंटीजर है एक्स भी इंटीजर है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर ही होगा, इट इज़ क्लियर दैट टा हैज़ अ मैक्सिमम नंबर। ठीक है,
देखिए ये तो क्लियर है कि टा जो होगा इसमें लाजमी तौर पे मैक्सिमम नंबर होगा, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ले लेते हैं, लेट सपोज एस एक सब सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, इसमें जो सुप्रीमम है वो 1 है। इसी तरह इसमें आप देखें, लेट कर लेते हैं हम चलें, जो हम एन जो स्मॉल एन ले रहे हैं जो अल्फा से लेस देन है वो हम क्या रख लेते हैं, -1 के इक्वल रख लेते हैं। तो एन माइनस एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, एन तो आपके पास ये है -1, देखें क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। अब इस पर नोट करें, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो -2 है, ठीक है, टा हैज़ अ मैक्सिमम एलिमेंट। तो यहाँ पे हम थ्योरम में यही कुछ कह रहे हैं कि टा जो है, टा हैज़ अ मैक्सिमम नंबर, वी सपोज दैट दिस मैक्सिमम नंबर इज़ एन माइनस एम। तो हम सपोज कर लेते हैं वो जो मैक्सिमम नंबर है वो एन माइनस एम है, और यहाँ पे जो एम है वो किसका एलिमेंट है, एस का, बिकॉज क्योंकि ये एलिमेंट्स आपके पास है ना, टर्म इस शेप के एलिमेंट, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, टा से बिलोंग करता है। तो देयर फोर एन माइनस एम जो है मैक्सिमम है, तो फॉर ऑल ग्रेटर देन होगा ना, हर एलिमेंट से एस के हर एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल होगा। एन एन से कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इनइक्वलिटी है तो मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, मतलब कि लेस ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा। वी शो दैट एम इज़ लोअर बाउंड ऑफ एस आल्सो। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आया है कि एम जो है एस के हर एलिमेंट से लेस है, और एम जो है वो इससे बिलोंग भी करता है, कोई भी वैल्यू जो एस के तमाम एलिमेंट से लेस हो वो उसकी लोअर बाउंड होती है, और एम जो है इससे बिलोंग भी करता है, तो फिर एम किस तरह का एलिमेंट हुआ, इसकी मिनिमम एलिमेंट, दस एम इज़ मिनिमम ऑफ एस, ठीक हो गया। हैंस एवरी नॉन, क्या रिजल्ट निकला है, हैंस एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इंटीजर हैज़ अ मिनिमम एलिमेंट। तो लाजमी तौर पे कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है तो वो जो बाउंडेड बिलो हो मस्ट है, वो मैक्स मिनिमम एलिमेंट मस्ट है उसमें एग्जिस्ट करेगा, यही हमने प्रूफ करना था इस थ्योरम में।